द नेक्स्ट वॉर इज एंग्लो मैसूर वॉर. ओके विच वॉर? एंग्लो मैसूर वॉर. दिस वॉर वॉज फॉट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड हैदर अली एंड हिज सन टीपू सुल्तान. ठीक है, ये जो एंग्लो मैसूर वॉर है ये किसके बीच में हुई? इट वॉज फॉट बिटवीन हैदर अली ब्रिटिशर्स. ओके एंड आफ्टर द डेथ ऑफ हैदर अली टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिशर्स. क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर. ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर वॉज फॉट इन 1767 एंड एंडेड इन 1769. ये वॉर 1767 में स्टार्ट हुई और 1769 में ख़त्म हुई. क्लियर? हैदर अली गेन्ड सक्सेस अगेंस्ट ब्रिटिश एंड कैप्चर्ड मद्रास. ओके, हैदर अली जो था वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा था और उसने मद्रास को भी कैप्चर कर लिया था. ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी बहुत पावरफुल था हैदर अली एंड मराठास और जो निज़ाम थे हैदराबाद के उनके अकॉर्डिंग भी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था. ओके, सो एवरीबडी जेलस विद हैदर अली. क्लियर? सो मराठास, ब्रिटिश एंड निज़ाम्स मेड अ ट्रिपल अलायंस विद अगेंस्ट हैदर अली. मराठास, ब्रिटिश और निज़ाम तीनों मिल गए और मिलकर उन्होंने एक अलायंस, एक संधि, एक समझौता कर लिया कि वी हैव टू डिफीटेड हैदर अली. ठीक है, दे वॉन्ट टू डिफीट हैदर अली सो दे मेड एन अलायंस. तीनों ने मिलकर, जब ये तीनों इकट्ठा हो गए देन इट इज़ कॉल्ड ट्रिपल अलायंस. ठीक है, थ्री कॉर्नर्स हो गए ना तो वो ट्रिपल अलायंस हो गया. क्लियर? सो ब्रिटिशर्स, मराठास एंड निज़ाम्स मेड अ ट्रिपल अलायंस अगेंस्ट हैदर अली. क्लियर? हैदर अली मेड पीस विद मराठा एंड निज़ाम्स. हैदर अली ने मराठास और निज़ाम्स को तो अपने कंट्रोल में कर लिया बाय गिविंग देम ब्राइब और सम प्रोमिसेस. उसने क्या किया, मराठास और निज़ाम्स को अपने कंट्रोल में कर लिया, उसके साथ पीस ट्रीटी बना ली, एस्टेब्लिश कर ली. ओके एंड देन हैदर अली अटैक्ड ऑन अरकोट एंड ब्रिटिश वर शॉक्ड एज दे हैड हैवी लॉसेस. ब्रिटिशर्स को यही था माइंड में कि मराठास और निज़ाम्स जो हैं देवर ऑन द साइड ऑफ ब्रिटिशर्स, बट हैदर अली टुक देम इन हिज साइड. ठीक है, हैदर अली ने उन्हें अपनी साइड कर लिया था उनके साथ पीस ट्रीटी को एस्टैब्लिश करके, साइन करके. ओके, तो हैदर अली ने अटैक किस पर किया? अरकोट पर. अरकोट वॉज द एरिया ऑफ ब्रिटिशर्स. यहाँ पर ब्रिटिशर्स का एरिया था अरकोट और हैदर अली ने अरकोट पर अपना कंट्रोल कर लिया. ओके एंड इन दिस बैटल ब्रिटिशर्स हैड टू फेस मैनी लॉसेस. उसको बहुत हैवी लॉसेस फेस करने पड़े. सो ब्रिटिशर्स इससे शॉक्ड थे. दे साइंड अ ट्रीटी ऑफ पीस विद हैदर अली. ब्रिटिशर्स ने हैदर अली के साथ एक ट्रीटी साइन की कि वी वुड नॉट अटैक ऑन यू और इंटरफेयर इन योर वर्क, यू जस्ट डू योर वर्क. ठीक है, तो इस तरह की ट्रीटी साइन की कि हम इन्वॉल्व नहीं होंगे किसी भी चीज़ में, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा. हैदर अली अपने एरिया में वर्क करता रहे और ब्रिटिशर्स अपने एरिया में ट्रेड वर्क करेंगे. ओके, नेक्स्ट वन इज सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर. इट वॉज स्टार्टेड इन 1780 एंड एंडेड इन 84. क्लियर? नाउ ब्रिटिश वॉन्टेड टू अटैक द फ्रेंच एट मे. ब्रिटिशर्स, फ्रेंच जो थे उनका एक ट्रेड सेंटर था मेह, मैसूर में ही कॉर्नर पे जहाँ पर सी कोस्ट है उस एरिया पर ही मेह नाम के एरिया में फ्रेंच का ट्रेड सेंटर था. एंड ब्रिटिश वॉन्टेड टू अटैक एट मेह. फ्रेंच को कंट्रोल कर रहे थे वो, तो वो फ्रेंच के ऊपर अटैक करना चाह रहे थे. बट हैदर अली डिड नॉट परमिटेड. हैदर अली ने इसकी परमिशन नहीं दी. ओके, सो ब्रिटिशर्स स्टार्टेड अ वॉर अगेंस्ट हैदर अली. ब्रिटिशर्स ने हैदर अली के अगेंस्ट एक वॉर स्टार्ट कर दी. क्लियर? एंड
अभी भी हैदर अली का जो अलायंस था वो मराठास और निज़ाम्स के साथ ही था, यानी कि हैदर अली मराठा और निज़ाम्स इनका एक ग्रुप था अभी, और ब्रिटिशर्स एक साइड पर थे। तो ब्रिटिशर्स ने इन तीनों के अगेंस्ट एक वॉर स्टार्ट कर दी। क्लियर। इन दिस बैटल ऑल्सो हैदर अली डिफीटेड ब्रिटिशर्स। इस बैटल में भी हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को हरा दिया और अरकोट को अपने कंट्रोल में कर लिया। क्लियर। हैदर अली डिफीटेड ब्रिटिश एंड कैप्चर्ड अरकोट। ब्रिटिश ब्रोक द अलायंस एंड डिफीटेड हैदर अली। ब्रिटिशर्स ने अलायंस को ब्रोक किया और उसके बाद हैदर अली को हरा दिया। हैदर अली डाइड एंड हिज सन टीपू सुल्तान कंटिन्यूड द फाइट। जो वॉर था वो उसके बेटे ने स्टार्ट रखी, हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने। एंड दिस बैटल वॉज एंडेड विद ट्रीटी ऑफ मैसूर इन 1784। और ये जो बैटल थी ये एंड हुई जब ट्रीटी ऑफ मैसूर हुई 1784 में। ओके। एंड इन दिस ट्रीटी इट इज डिसाइडेड टू रिस्टोर ईच अदर्स कंकर टेरिटरी एंड सेट द प्रिजनर्स फ्री। इन दिस ट्रीटी इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट द एरिया दैट वॉज गेन्ड बाय ईच पार्टी, जो भी टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशर्स का एरिया लिया है या फिर ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान का एरिया लिया है, वो एरियाज एक दूसरे को वापस कर दिए जाएंगे। इट मस्ट बी गिवन बैक टू ईच अदर। एंड जो उनके प्रिजनर्स हैं यानी कि जो सोल्जर्स को पकड़ा गया उनको प्रिजनर्स बनाया गया है, उन्हें भी फ्री कर दिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर वॉज स्टार्टेड इन 1789 एंड एंडेड इन 92। ओके। एंड दिस वॉर वॉज fought between Tipu Sultan and the Britishers. Okay? And here Tipu Sultan allied with French. Tipu Sultan ka koi alliance nahi tha Britishers ke saath. He had a alliance with French. French ke saath uski treaty sign ki hui thi. And invaded Travancore in 1789 which was a British ally. Usne Travancore ko कंट्रोल में कर लिया, उस पर अटैक किया एंड टुक कंट्रोल ओवर त्रावणकोर इन 1789। एंड त्रावणकोर वाज़ द एरिया ऑफ ब्रिटिशर्स, इट मींस ब्रिटिशर्स हैड कंट्रोल ओवर त्रावणकोर। क्लियर। ब्रिटिशर्स वर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू क्रश टीपूज पावर। अब आपको पता है अगर आपकी किसी के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं तो आप देखते हो कि वो कब गलती करे और आप उसके अगेंस्ट खड़े हो जाओ। तो सेम हैपेंड हियर कि टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर को अपने कंट्रोल में कर लिया था फ्रेंच के साथ मिलकर। ओके। तो ब्रिटिशर्स तो वैसे ही फ्रेंच के अगेंस्ट थे तो वो टीपू सुल्तान के भी अगेंस्ट थे। सो दे वांटेड अ मिस्टेक फ्रॉम द टीपू सुल्तान। वो टीपू सुल्तान की तरफ से एक मिस्टेक चाहते थे जिससे वो उस पर अटैक कर सकें। सो दे जस्ट गॉट द चांस, उन्हें वो चांस मिल गया कि वो टीपू सुल्तान ने उनके एरिया पर कंट्रोल कर लिया था। नाउ दे हैड द अपॉर्चुनिटी और एन इशू के वो किस तरह से यहाँ पर टीपू सुल्तान के साथ फाइट कर सकें। ओके। तो उन्होंने टीपू सुल्तान की पावर को क्रश करने के लिए वर्क करना स्टार्ट कर दिया। दिस वॉर वॉज स्टार्टेड बिटवीन टू द टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिशर्स। दो लोगों के बीच में वॉर स्टार्ट हो चुकी थी अब, टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में। और इसका रिजल्ट क्या आया? इट रिजल्टेड इन डिफीट ऑफ मैसूर। ओके। इसमें टीपू सुल्तान डिफीट हुआ। ओके। द वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम। और वॉर का एंड किस में हुआ? कि श्रीरंगापट्टनम में एक ट्रीटी साइन की गई, एक समझौता किया गया, एक फ्रेंडली साइन किए गए कि हाँ इसके बाद से हम आगे लड़ाई नहीं करेंगे 1792 में। ओके। मैसूर हैड टू हैंड ओवर हाफ ऑफ इट्स टेरिटरी टू द ब्रिटिश। और इस ट्रीटी में क्या रिटर्न था कि मैसूर को अपने एरिया का हाफ
ब्रिटिशर्स को देना है अलॉन्ग विद टीपू सन एज वॉर होस्टेज, और टीपू सुल्तान के दो बेटे ब्रिटिशर्स अपने साथ लेकर जाएंगे। रीज़न क्या था कि दे हैड लॉस इन वॉर, तो इसके लिए उसे होस्टेज की तरह, वॉर के एक चिन्ह की तरह, एक साइन की तरह अपने साथ टीपू सुल्तान के दो बेटे लेकर जाएंगे। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज़